वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनोखा पोस्ट। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा की एक्टिंग देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वह सिर्फ एक कॉमेडियन है। अपनी एक्टिंग के दम पर संजय मिश्रा ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। संजय ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल चाणक्य से की थी। इससे पहले उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का कई बार मौका मिला, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया है जब वो एक्टिंग छोड़ छाड़ कर एक ढाबे पर काम करने लग गए थे। कड़वी हवा और अंग्रेजी में कहते हैं जैसी फिल्मों से अपने अभिनय की एक बार बयार बहाने वाले संजय मिश्रा टोटल धमाल और कामयाब में नज़र आने वाले हैं। 2015 में संजय को आंखों देखी के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा भी जा चुका है। संजय मिश्रा आज के नामी एक्टर और कॉमेडियन हैं। उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो एक्टिंग को छोड़कर ऋषिकेश चले गए थे और एक ढाबे पर काम करने लगे थे। दरअसल जब उनके पिता का देहांत हुआ तो इस घटना ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि वो गुमशुदा से हो गए और अकेला महसूस करने लगे। उनका कहीं भी मन नहीं लगता था, उनका मन वापस मुंबई जाने को भी नहीं हुआ और वो एक्टिंग छोड़ चुके थे। एक दिन अचानक ही संजय मिश्रा ने घर छोड़ दिया और ऋषिकेश चले गए। वहाँ संजय मिश्रा एक ढाबे पर काम करने लगे। संजय 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया था। लेकिन इतनी फिल्मों के बाद भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली थी जिसके वो हकदार थे। इसी से तंग आकर उन्होंने ढाबे पर ऑमलेट बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में आए रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी और संजय मिश्रा फिल्म गोलमाल में साथ काम कर चुके थे। वो अपनी अगली फिल्म ऑल द बेस्ट पर काम कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें संजय मिश्रा का ख्याल आया। संजय मिश्रा फिल्मों में लौटने को तैयार नहीं थे, लेकिन रोहित शेट्टी ने उन्हें मनाया और फिल्म में साइन किया। इसके बाद तो संजय मिश्रा ने फिर कभी पलटकर ही नहीं देखा। संजय मिश्रा के पास फॉर्च्यूनर और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। पटना और मुंबई में कई घर हैं। कभी मुफलिसी में दिन बिताने के लिए मजबूर हुए संजय मिश्रा के पास आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इसके बावजूद वो बहुत ही साधारण ढंग से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।